हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल किरण क्रिएशन। तो आज मैं आपको नेट के फैब्रिक में एक लॉन्ग टॉपर की डिज़ाइन दिखाऊंगी, बहुत ही सुंदर। और उसकी स्लीव्स भी बहुत डिज़ाइनर होगी, ट्रेंडी स्लीव्स हैं, बहुत इस समय चल रही हैं। अब देखिए, दो मैंने नेट के पीस कट कर लिए हैं जिनकी लंबाई है 32 इंचेस और चौड़ाई है 24 इंचेस। उसके दो पीस इक्वली सेट कर लेंगे लाइक दिस। इस तरह से मैं लगा लूँगी, कटिंग करनी है क्योंकि देखिए 4 पीस हो गए क्योंकि फोल्डेड है, 2 पीस को फोल्ड किया है इस तरह से। शोल्डर के लिए हम 7 इंच पे यहाँ पर मार्क करेंगे, 7.5 पे। सेवन इंच पे लेंथ में इस तरह से मार्क कर देंगे। आर्म होल की शेप लेनी है, टू लाइन्स इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल की शेप देनी है, अब मेजरमेंट के लिए आप कोई अपनी कुर्ती या टॉपर लेके या इंची टेप से अपना साइज लेके, जिसका बनाना हो आपको साइज, उसके हिसाब से मार्क करते जाएंगे। 15 इंच पे मिड पॉइंट रहता है। ये 9 इंच पे ऊपर चेस्ट का मैंने 10 इंच रखा था, ये 9 इंच यहाँ पे भी या राउंड देते जाएंगे क्योंकि वो टॉपर बनाए तो लूज ही रखना है अभी इसको। और वैसे भी बिग साइज का, थोड़ा एक्सेल साइज का टॉपर बना रही हूँ, लेडीज़ स्टाइल में बना रही हूँ ना, लेडीज़ मोस्टली थोड़ा लॉन्ग में पहनती हैं, गर्ल्स पहनती हैं कहीं थोड़ी एक्स्ट्रा लार्ज वाली बॉडी के हिसाब से। अब देखिए, अभी आप लूज़ रख सकते हो, पहन के देख के फिटिंग कर सकते हो बाद में इसको। और ये नीचे से राउंड कर देंगे, दोनों शेप रख सकते हैं, चाहे तो ऐसे ही छोड़ दें चाहे तो राउंड शेप दे दें, दोनों ऑप्शन हैं। और यहाँ पे एक राउंड शेप दे देंगे स्लीव सेट करने के लिए। और ये मार्जिन के लिए, मार्जिन का छोड़ के यहाँ से कटिंग होगी इसी लाइन से ऊपर, तो स्ट्रेचिंग के लिए लाइन वाली। और यहाँ से एक अच्छा सा कट करना है कपड़े को। अब नेक की कटिंग आगे पीछे इक्वल होनी, इसलिए मैं साथ में ही कर ले रही हूँ क्योंकि बोट शेप है तो इक्वल ही आएगी। ये बोट शेप जो है 4-4 पे इस टॉप के साइज के हिसाब से ठीक आएगी, इसलिए मैं 4-4 पे कटिंग ले रही हूँ। बाकी कोई स्लिम है तो उसके हिसाब से बोट शेप की कटिंग छोटी होती है। मार्क के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। अब जो हमने मार्किंग की है, ये जो शेप है इसके हिसाब से यहाँ पे कट मार लेंगे। कटिंग करनी है अब इसकी, मार्किंग कर ली है, इधर से राउंड कट करना है, एक्स्ट्रा मार्जिन लाइन पे कट करना है। अब स्लीव्स की डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं। ये हमारी टॉप को बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लुक देगी क्योंकि ट्रेंडी स्लीव्स बना रहे हैं। लंबाई ले ली है 12 इंच और चौड़ाई ले ली है मैंने ये 9 इंच। इस पर मार्किंग कर लेनी है, 6 इंच पे मार्क कर लिया है। यहाँ से 2.5 लेफ्ट करते हैं, इधर से कॉर्नर पे छोड़ते हैं जहाँ से राउंड की कटिंग होगी। आर्म को ऐड कर, आर्म होल को ऐड करने के लिए यहाँ से ये स्लीव्स को ऐड करने के लिए इतना छोड़ा जाता है। अब यहाँ पर सब टिक करते जाएंगे अपनी साइज के अकॉर्डिंग। ये एक्स्ट्रा मार्जिन की लाइनें कट करना है, यहाँ से ये राउंड करेंगे जो हमारा ऐड होगा स्लीव। अभी ये स्लीव्स की लंबाई मैंने रखी है 12 इंच, अभी इसमें मेरे को 5 इंच और ऐड करनी है, एटलीस्ट 5 इंच, जितनी आपको लेंथ चाहिए हो। बेल स्लीव्स लगाने वाली हूँ मैं इसमें, बेल स्लीव्स मगर थोड़ी स्क्वायर शेप में, जैसे राउंड शेप होती है ना, इसको स्क्वायर शेप में बनाएंगे।
ये डबल फैब्रिक है, इसकी लेंथ मैंने ले ली है 18 इंचेस, दोनों साइड है, दोनों साइड इक्वली लेनी है, ठीक है, इक्वल पीस लेना है। अब इसको इस तरह से फोल्ड कर, अब इस फैब्रिक में हम बेल स्लीव्स की कटिंग करेंगे। इसलिए इसमें ऐड करनी है तो इसके अकॉर्डिंग हमें लेना पड़ेगा कि इसमें ऐड हो जाए, इस तरह से कटिंग करें। और कटिंग हमारी इस जगह पे होगी, मेन जॉब शेप पे यहाँ से कट होना है। ये हमारा 6 इंच का है मार्क किया हुआ, तो इसका भी हाफ़ लेंगे, इसका भी हाफ 3 होता है, 3 से भी थोड़ा सा कम लेंगे, 0.5 कम लेंगे, 2.5 पे कट करेंगे, क्योंकि नेट स्लीव्स थोड़ा सा फैलता है कटिंग के बाद। यहाँ पर राउंड शेप लेंगे, अभी मैं ऐसे मार्क कर ले रही हूँ, उसको मैं राउंड शेप दे दूँगी बाद में। ये 7 इंच देखिए लगभग आपका आ रहा है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन दोनों तरफ से जाना है, अभी स्लीव ऐड होने में मार्जिन चाहिए, कॉर्नर पे मार्जिन चाहिए, तो एक्स्ट्रा लेके चलनी हूँ मैं। ये राउंड शेप हो गई, इसको कट कर लेंगे। ये इस तरह से कटिंग के बाद यहाँ से राउंड पूरा खुल जाएगा कपड़ा, अभी मैं कटिंग करने के बाद दिखाऊंगी आपको। अच्छा, इसमें एक चीज़ और कर सकती हैं, अगर आप इसको स्क्वायर शेप में नहीं चाहती तो राउंड शेप, इसी जगह पर राउंड शेप कट कर सकती हैं। ये 7 इंच है, 7 इंच दोनों साइड है, बीच में 7 इंच पर कट करेंगे और राउंड शेप ले लेंगे, तो ये राउंड शेप वाली बेल स्लीव बन जाएगी आपकी। बट मुझे इस समय चाहिए ट्रेंडी स्लीव जो कि स्क्वायर शेप में चल रही है, मोस्टली आप देखेंगे स्क्वायर शेप मार्केट में आ गया है, बहुत ही प्यारा लगता है, टॉपर्स में तो बहुत ज़्यादा चल रहा है। ये देखिए, ये जो हिस्सा है ये आपका स्लीव में ऐड होगा, ये ऐड होगा, दो पीस है, इस तरह से अलग कर लेते हैं। ये इस तरह से लुक आएगा और बहुत ही प्यारा लुक आएगा इसका, बहुत प्यारा, आप इमेजिन कर सकते हैं स्लीव में ये कटिंग जब आएगी तो बहुत प्यारी लगेगी। रेडी।